हाय दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारा फार्मालोगी चरण में। हम आपके लिए लेकर आए हाइपर ट्रैक्स डिपो के नाम से इंजेक्शन आता है दोस्तों। एंड आज की वीडियो में इस इंजेक्शन के बारे में जानेंगे, इसका क्या यूज होता है, कौन सी परेशानी में आप इस इंजेक्शन को लगवा सकते हैं, एंड क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, कितनी डोज लेनी चाहिए दोस्तों, सारी बातें बताएंगे दोस्तों इस इंजेक्शन के बारे में। एंड वीडियो को देखते रहिए एंड तक दोस्तों। मेडिसिन से रिलेटेड नॉलेज पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए एंड तक दोस्तों। वीडियो शुरू करते हैं, बताते हैं इस इंजेक्शन के बारे में, जो आपको एक ही मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है ये इंजेक्शन दोस्तों, जो एम्पुल में आता है दोस्तों। हम इसका इंजेक्शन उसको ओपन करके दिखाएंगे किस तरह का इंजेक्शन आता है। पहले दोस्तों इसके साइड के बारे में जान लेते हैं, फिर इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे, कितना मॉलिक्यूल उसके अंदर मिलाया गया है, फिर इसके यूजेस के बारे में जानेंगे एंड फिर इसके साइड इफेक्ट के बारे में जानेंगे। ओके, एंड कैसे डोज लेनी होती है इसकी, वो भी जानेंगे दोस्तों। इसके अंदर हाइड्रोक्सी प्रोगेस्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स होता है दोस्तों, एंड यही एक साल्ट है दोस्तों, इन्हीं मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है इंजेक्शन। चलिए इसको हम दिखा देते हैं कितना मिलाया गया होता है ये दोस्तों। हाइड्रो ऑक्सी प्रोगेस्ट्रॉन मिलाया गया है 250 mg में दोस्तों, ये 250 mg में इसके अंदर मिलाया गया है। और इसकी MRP की बात करें तो दोस्तों आपको ये 180 रुपये का ओनली मिल जाएगा आसानी से दोस्तों। और जब भी लें अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह से ही इस इंजेक्शन को लगवाएं, ऐसे न लगवाएं। चलिए दोस्तों इसको ओपन करके हम दिखा देते हैं, इस तरह का ये इंजेक्शन आता है एंड 2 ml में आता है दोस्तों, एम्पुल में आता है। एंड साथ ही इसके अंदर डिस्पो दे रखी है, यानी कि सिरिंज दे रखी है, इसके थ्रू आप इसको लगवा सकते हैं और हम आपको बताएंगे ये कैसे लगाना होता है इंजेक्शन। पहले इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। यह आज की वीडियो हमारी महिला के लिए होने वाली है, जैसे कि महिला को प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद में अगर ब्लीडिंग होती है, तब इस इंजेक्शन को ब्लीडिंग को रोकने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, डॉक्टर लोग इसका यूज़ करते हैं। एंड दोस्तों अगर पीरियड होते हैं महीने में, तो दोस्तों पीरियड में अगर ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है तब इसका यूज़ किया जाता है, अगर दोस्तों पेन होता है, मरोड़ सी होती है, तब इसका यूज़ किया जाता है दोस्तों। एंड महिला को होने वाली परेशानी प्रेगनेंसी में, अगर ब्लीडिंग ज़्यादा आती है तब इसका यूज किया जाता है, अगर पीरियड में ब्लीडिंग ज़्यादा आती है तब भी इसका यूज किया जाता है, या पेट में दर्द होता है या मरोड़ होती है तब भी इसका यूज किया जाता है, या रसौड़ी सी बन जाती है उसके थ्रू अगर ब्लेड आता है बार बार, तब भी इसका इंजेक्शन का यूज किया जाता है। ओके दोस्तों, और हमने इसका यूज बता दिया है। चलिए इसके साइड इफेक्ट के बारे में और बात कर लेते हैं, और ये इंजेक्शन के साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि महिला के लगाने के दौरान इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट क्या होते हैं, जैसे कि दोस्तों सूजन सी आ जा, या इचिंग सी होना, या दोस्तों घबराहट सी होना। तो दोस्तों इसके कॉमन से साइड इफेक्ट हैं, जब भी लें अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह से इस इंजेक्शन को लगवा सकती हैं महिला। चलिए इसके हम बता देते हैं कौन कौन सी महिला इस इंजेक्शन को नहीं लगवा सकती हैं, जैसे कि दोस्तों लीवर डिजीज़ होती है, या महिला का BP हाई होता है, या दोस्तों प्रेगनेंसी या जॉइंट जॉइंट में दर्द होता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो दोस्तों या हार्ट से कमज़ोर हैं, तो दोस्तों ऐसी महिला को इस इंजेक्शन को नहीं लगाया जाता है। ओके दोस्तों, एंड हमने इसका यूज बता दिया, इसके साइड इफेक्ट बता दिए हैं, और इसको कैसे लगवाना होता है वो भी बता देते हैं दोस्तों। इस इंजेक्शन को ओनली मस्कुलर लगाया जाता है दोस्तों, डीप मस्कुलर लगाया जाता है, यानी कि मांस के अंदर लगाया जाता है इस इंजेक्शन को। ये इंजेक्शन मांस के अंदर ही लगता है दोस्तों, नस में नहीं लगता है। और दोस्तों इसकी कंपनी की बात करें तो ये लाइका कंपनी इसको बनाती है, प्रोडक्ट अच्छा है एंड रिजल्ट भी अच्छा है दोस्तों। हमने इसका यूज बता दिया है और इसको कैसे लगवाना है वो भी बता दिया दोस्तों। अगर इस इंजेक्शन को लेकर आपके मन में कोई डाउट हो तो प्लीज़ हमारे चैनल पर कमेंट करके ज़रूर पूछें दोस्तों, और कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछें दोस्तों। और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें दोस्तों, और हमारे चैनल को लाइक करें दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, जिससे कि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे रेगुलर। ओके दोस्तों, हमारे साथ बने रहने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें दोस्तों। एंड दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।